Swayam Prabha, Digital India, Educated India. वेल स्टूडेंट्स दिस इज माय ट्वेल्थ लेक्चर ए मेरा लेक्चर नंबर ट्वेल्व है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ संवैधानिक विधि का लेक्चर नंबर ट्वेल्व जिसका टॉपिक है संघ की कार्यपालिका एवं मंत्रिपरिषद संवैधानिक विधि के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिपरिषद और उसके द्वारा राष्ट्रपति को दिया जाने वाला सलाह और परामर्श जिसके पश्चात राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह और परामर्श के आधार पर कार्य करते हैं इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट के क्या डिसीजन है भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्या पावर दी गई हैं यह संवैधानिक विधि जो मेरा एक कोर्स प्रपोजल है उस संवैधानिक विधि का 12वां लेक्चर ट्वेल्व 12 लेक्चर जिसके अंतर्गत मैंने प्रयास किया है कि जो संवैधानिक प्रावधान है राष्ट्रपति के पावर को डिफाइन करते हैं संविधान राष्ट्रपति को संविधान संरक्षक के रूप में किन किन प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिस्थापित करता है और चूंकि भारत का राष्ट्रपति सम, भारतीय संविधान के संरक्षा की सुरक्षा की नागरिक अधिकारों के सुरक्षा की शपथ लेते हैं इसलिए संवैधानिक रूप से भारतीय राष्ट्रपति को भी संविधान संरक्षक के रूप में माना जाता है और भारतीय संविधान संरक्षक के रूप में राष्ट्रपति अपने किन प्रावधानों किन शक्तियों का प्रयोग करके नागरिक अधिकारों की रक्षा करना तथा संविधान की रक्षा करने के लिए संविधान के द्वारा अपेक्षित है उनके आचरण और व्यवहार पावर के द्वारा संविधान भी अपेक्षा करता है कि उन्हें संविधान संरक्षक के रूप में जो दायित्व संविधान ने दिया है उन संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किन किन प्रावधानों के तहत किया जाता है और उच्चतम न्यायालय समय समय पर गतिरोध उत्पन्न होने पर या राष्ट्रपति के कहीं पावर को लेकर के विवाद होने पर माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी कुछ निर्णय दिए गए हैं मैं इस व्याख्यान के अंतर्गत उन सभी विषयों को विषयों पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। तो इस स्लाइड के माध्यम से आप देखें मैंने जो मेरा लेक्चर नंबर ट्वेल्व है उसका टाइटल ही है संघ की कार्यपालिका एवं मंत्रिपरिषद इसके अंतर्गत मैंने आर्टिकल 53 को लिखा है संविधान के आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है कि ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इन द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी यह बात संविधान के आर्टिकल 53 में लिखी हुई है तो संघ की कार्यपालिका प्रमुख होने के नाते और संविधान के आर्टिकल 53 में ही लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का समा सर्वोच्च कमांडर है डिप्लोमेटिक पावर भी राष्ट्रपति करता है अब इस समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग संविधान के आर्टिकल सेवेंटी के अंतर्गत आप इसको स्क्रीन पर देखें आर्टिकल सेवेंटी फोर ए के अनुसार केंद्र की एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा तथा तो राष्ट्रपति ऐसी मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा संविधान की आर्टिकल सेवेंटी फोर में प्रावधान किया गया है कि देयर शेल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर संविधान में एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका हेड प्रधानमंत्री होगा और जो राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देने के लिए गठित होगी यह संविधान की आर्टिकल सेवेंटी फोर उपखंड एक ही है जो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को संवैधानिक मामलों में निर्णय लेने के लिए समय समय पर सलाह और मसीरा परामर्श देती रहती है अब प्रश्न है कि क्या मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह और परामर्श राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है इसको हम देखेंगे संविधान इस मामले में क्या प्रावधान करता है तो ये बात हो गई कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी परंतु राष्ट्रपति को भी परामर्श और सलाह देने के लिए आर्टिकल सेवेंटी फोर के अंतर्गत एक मंत्रिपरिषद होगी जो कुछ मंत्रियों और प्रधानमंत्री से मिलकर गठित होगी अब इसको देखते हैं कि राष्ट्रपति की पावर संविधान के अंतर्गत कहाँ कहाँ दी गई है पहला मैंने इसको स्लाइड के माध्यम से पहला है कार्यपालिका शक्ति दूसरा है विधायिका शक्ति राष्ट्रपति की जैसा कि आप जानते हैं संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 123 के अंतर्गत अध्यादेश निर्माण के माध्यम से राष्ट्रपति अपनी विधायी शक्तियों का निर्वहन करता है 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की पावर दी गई है और 103 के अंतर्गत संविधान के आर्टिकल एक के अंतर्गत संसद अयोग्यता संबंधी प्रश्न का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और देश के समक्ष यदि भारत, भारत पर बाह्य आक्रमण होता है या सशस्त्र विद्रोह होता है तो ऐसी स्थितियों में भारत का राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियाँ इमरजेंसी भी पूरे भारत या प्रभावित राज्य क्षेत्र में लगा सकता है अब इन राष्ट्रपति की पावर्स को हम अलग अलग हेड के अंतर्गत देखेंगे जिसको कि राष्ट्रपति की विधाई शक्ति के रूप में मैंने आर्टिकल 123 को पहले सबसे पहले बताने का प्रयास किया है अब देखिए भारतीय संविधान की आर्टिकल 123 आप स्लाइड के माध्यम से देखें तो मैंने 123 को ही हाईलाइट करने का प्रयास किया है अभी हम देखते हैं कि आर्टिकल वन फिफ्टी थ्री के अंतर्गत राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख है एग्जीक्यूटिव पावर एग्जीक्यूटिव पावर केंद्र की राष्ट्रपति में निहित है दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आर्टिकल वन ट्वेंटी थ्री के अंतर्गत अध्यादेश निर्माण के माध्यम से राष्ट्रपति विधि भी बनता है देश के लिए कानून भी बनाता है जैसा कि आप सभी जानते होंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल वन संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश के माध्यम से ऑर्डिनेंस के माध्यम से देश के लिए या उसके किसी भूभाग के लिए ऐसी यदि आवश्यकता पड़ गई है कि संसद सत्र में न हो तो संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर और देश के लिए किसी विषय पर विधि बनाया जाना आवश्यक है जिस पर कानून पहले से नहीं है तो संविधान के आर्टिकल वन ट्वेंटी थ्री राष्ट्रपति को यह पावर देती है कि राष्ट्रपति ऐसे विषय पर अध्यादेश प्रख्यापित कर विधि निर्माण कर सकता है यह राष्ट्रपति को जो अध्यादेश निर्माण की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दिया गया विशेष पावर दी गई यह उन स्थितियों में दी गई जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है दैट इज सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ टू कंडीशंस यह अध्यादेश निर्माण की जो शक्ति है वह दो शर्तों के अधीन है पहला तो राष्ट्रपति अध्यादेश तभी निर्मित करेगा अध्यादेश तभी प्रोमोलगेट करेगा जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो संसद के यदि दोनों सदन सत्र में हैं तो अध्यादेश नहीं हो सकता है अध्यादेश के माध्यम से विधि निर्माण नहीं हो सकता है क्योंकि अध्यादेश संसद के द्वारा बनाई गई जनप्रतिनिधियों के कानून का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है विकल्प नहीं हो सकता है और वो भी विशेषकर भारत जैसे संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत जनप्रतिनिधियों को जवाबदेही दे गई संविधान ने जवाब संविधान ने अधिकार दिया है कि संसद चूंकि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से देश की जनता का सामूहिक प्रतिनिधित्व करता है इसलिए कोई भी कानून संसद के द्वारा बनाया जाना चाहिए परंतु विशेष परिस्थितियों में यदि राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विषय उसके समक्ष लाया गया है और उस विषय पर देश में कोई कानून पहले से नहीं है और संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो तो भारत का राष्ट्रपति ऐसे विषय पर अध्यादेश के माध्यम से विधि निर्माण कर सकता है और अध्यादेश का वही बल होता है जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून का बल प्राप्त है तो मैंने ये बताया कि आर्टिकल 123 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश तभी प्रख्यापित करेगा जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो एक दूसरी शर्त यह है कि राष्ट्रपति उन्हीं विषयों पर विधि निर्माण कर सकता अध्यादेश के माध्यम से जिन विषयों पर संघ सूची में वर्णित विषय पर संसद के द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं तो संघ सूची में प्रावधानित किसी भी विषय पर जो यूनियन लिस्ट है यूनियन लिस्ट में प्रथम अनुसूची जैसा कि आप जानते हैं संविधान में तीन अनुसूचिया हैं संघ सूची राज्य सूची और समोर्थी सूची तो so संघ सूची में संसद कानून बनाती है राज्य सूची के विषय पर स्टेट लिस्ट में जो प्रावधानित विषय हैं उस पर राज्य विधानमंडल के द्वारा कानून बनाया जाता है और जो समवर्ती सूची है तीसरी जो लिस्ट थर्ड लिस्ट है उसमें प्रावधानित विषयों को उस विषयों पर संविधान संसद को भी और राज्य विधानमंडल दोनों को कानून बनाने की पावर देता है तो अध्यादेश उन सभी विषयों पर राष्ट्रपति निर्माण कर सकता है जिन विषयों पर भारत का जिस भारतीय संसद संघ सूची में वर्णित 97 सेवन सत्तानवे विषय पर कानून संसद बना सकती जैसे कि प्रतिरक्षा डिफेंस जैसे कि जनगणना जैसे कि संचार कम्युनिकेशन विदेशी मामले ये सब संघ सूची में प्रावधानित विषय हैं और राष्ट्रीय महत्व के विषय होने के नाते संघ सूची में प्रावधानित इन विषयों पर संसद के द्वारा कानून बनाए जाते हैं यदि इन विषयों से संबंधित किसी आ, कोई मामला राष्ट्रपति के संज्ञान में लाया जाता है तो राष्ट्रपति उन विषयों पर अध्यादेश के माध्यम से कानून बना सकता है यदि संसद के दोनों सदन सत्र में न हों यह राष्ट्रपति को प्रश्न है कि राष्ट्रपति को यह अध्यादेश निर्माण की पावर या लेजिस्लेटिव पावर क्यों दिया गया जब संसद कानून बनाने के लिए सशक्त है मैंने आपको यह पहले ही बता दिया इसका जो लॉजिक इसका तर्क केवल और केवल यह है कि राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से विध निर्माण तभी करेगा एक कंडीशन है जब संसद सत्र में ना हो संसद का सत्र में ना होना या संसद के किसी एक सदन का हाउस ऑफ हाउस ऑफ राज्यसभा या लोकसभा एक सदन का सत्र में होना अध्यादेश निर्माण के पावर पर किसी प्रकार का निर्बंध नहीं लगा सकता क्योंकि संसद के दोनों सदन ही कानून बना सकते हैं और एक सदन के द्वारा कानून नहीं बनाया जा सकता है तो संसद का एक सदन होना अर्थात राज्यसभा अभी राज्यसभा है परंतु तो लोकसभा विघटित है लोकसभा भंग कर दी गई है या तो सरकार पाँच वर्ष पूर्ण हो चुके हैं या सरकार अल्पमत में है सरकार ने अपना विश्वास खो दिया है ऐसी स्थिति में यदि लोकसभा का विघटन हो गया है या पाँच वर्ष पूर्ण हो गए हैं और लोकसभा का विघटन कर दिया गया है निर्वाचन के लिए उस दौरान भी भारत का राष्ट्रपति किसी विषय पर अध्यादेश के माध्यम से पूरे देश के लिए कानून बना सकता है यह विशेष परिस्थिति यद्यप कि राष्ट्रपति आर्टिकल फिफ्टी थ्री के अनुसार कार्यपालिका प्रमुख है कार्यपालिका का प्रधान होने के नाते वह विधि निर्माण का भी विधायिका का भी अभिन्न भाग है और जैसा कि आप जानते होंगे भारतीय संसद की संरचना में ही राष्ट्रपति अभिन्न अंग है क्योंकि 79 नाइन आर्टिकल सेवेंटी नाइन यदि मैं आपको बताऊं इसी पर तो आर्टिकल 79 के अंतर्गत आप देखें पार्लियामेंट की जो संरचना है उसमें प्रेसिडेंट पहले होता है राष्ट्रपति दूसरे पर है राज्यसभा और तीसरे पर है लोकसभा अर्थात संसद की संरचना में भी सर्वोपरि राष्ट्रपति है और उसके बाद राज्यसभा और तीसरे नंबर पर है लोकसभा संविधान की आर्टिकल सेवेंटी नाइन के अनुसार इन राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न भाग है अर्थात संसद के द्वारा कोई भी विधायी प्रस्ताव तब तक अधिनियम नहीं बन सकता तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि भारत का राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति प्रदान नहीं करता इसलिए संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा पारित किसी भी विधायी प्रस्ताव को हम विधेयक तो मान सकते हैं बिल माना जा सकता है परंतु वह अधिनियम का रूप तभी लेता है जब एक्ट तभी होता है जब राष्ट्रपति की उस पर सहमति प्राप्त हो जाए राष्ट्रपति की उस पर अनुमति प्राप्त हो जाए बिना राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुए हम उसे विधेयक की श्रेणी में और विधेयक का कोई महत्व तो नहीं है वह एक प्रकार से विधायी प्रस्ताव ही माना जाता है तो इस सामान्यतः प्रश्न भी पूछा जाता है कि विधेयक और अधिनियम में क्या अंतर है बिल और एक्ट में क्या अंतर है तो बिल मैं आपको बता दूँ बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस है बेसिकली तो बिल जो है सभी ऑल द लेजिस्लेटिव प्रपोजल प्रपोजल्स विच और पास्ड बाई बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट और ट्रीटेड है बिल संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किए गए समस्त विधायी प्रस्ताव विधेयक कहलाते हैं परंतु उस विधेयक पर जैसे ही राष्ट्रपति अपनी सहमति प्रदान करता है वह बिल वह विधेयक अधिनियम का रूप लेता है एक्ट बन जाता है तो मैं इस समस्त समझ रहा हूँ कि आप लोग सभी लोग विधि लॉ एंड बिल विधेयक में अंतर एक्ट और बिल में क्या डिफरेंस है अधिनियम और विधेयक में क्या डिफरेंस है आप ये समझ पाए होंगे मैंने स्क्रीन पर ही आपको ये बताया है कि पोटा एक कानून बना था वर्ष 2002 में पोटा को बनाया गया था सन टू में इस पोटा को बताने का इसमें उद्देश्य केवल और केवल ये है कि पहले को पहले ऑर्डिनेंस लाया गया था आतंकवादी प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ऑर्डिनेंस 2002 पहले उस आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यादेश लाया गया जिसको हम पोटा बोलते हैं फिर बाद में जब उस पर संसद के द्वारा उस विधेय उस विधेयक को पारित किया गया और भारत के राष्ट्रपति ने उस पर अपनी अनुमति प्रदान कर दी तब वह पोटा जो है एक्ट का रूप लिया अधिनियम में तब्दील हुआ तो ये मैं बताने का प्रयास कर रहा था कि भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल सेवन फिफ्टी थ्री अब आप उसको अगर देखें कि संविधान की आर्टिकल फिफ्टी थ्री यहीं पर एक ही जगह पर देखें आर्टिकल फिफ्टी थ्री प्लस संविधान की आर्टिकल सेवेंटी नाइन और प्लस संविधान की आर्टिकल वन ट्वेंटी थ्री ये कैसे तीनों में आपस में एक कनेक्शन है पहला है कि संविधान की आर्टिकल फिफ्टी थ्री राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख बताती है वहीं पर आर्टिकल सेवेंटी नाइन संसद का अभिन्न भाग बताती है एक ही व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव हेड भी है पार्लियामेंट का अभिन्न भाग भी इसेंशियल कंपोनेंट भी है और भारत का राष्ट्रपति विधि निर्माण भी कर रहा है कार्यपालिका शक्तियों की समस्त पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में है और भारत का राष्ट्रपति विधि निर्माण के माध्यम से ऑर्डिनेंस भी निर्माण कर रहा है तो हम कभी कभी ये देखते हैं कि प्रायः इस पर डिबेट किया जाता है कि भारत का राष्ट्रपति एक ही समय में वह कार्यपालिका शक्ति विधायी शक्ति न्यायिक शक्ति तीनों पावर को एक्सरसाइज करता है जो कि शक्तियों के विभाजन से प्रेशन आप पावर के नियम के विपरीत प्रतीत होता है तो ऐसा नहीं है यह विशेष पावर भारत के राष्ट्रपति को संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत विशेष परिस्थितियों में विशेष पावर दिया गया है इसको समझना है कि जो अध्यादेश निर्माण की शक्ति है लॉ मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट की वह यह जनरल सामान्य परिस्थितियों में नहीं है वह विशेष परिस्थिति यदि उत्पन्न होती है भारत के राष्ट्रपति के समक्ष तो भी अध्यादेश निर्माण किया जा सकता है और इस प्रकार के पावर राष्ट्राध्यक्ष को देश के राष्ट्रपति को दिया जाना यह समीचीन भी आवश्यक भी है कि अगर संविधान किसी बिंदु पर शाइलेंट है या संविधान निर्माताओं ने 1950 में संविधान बनाते समय सभी विषयों की पूर्व कल्पना नहीं कर पाई तो आने वाले समय में यदि किसी भी विषय पर संसद ने कानून बनाया है या संसद कानून नहीं बना पाई है किसी कारणवश तो राष्ट्रपति को ये पावर होना चाहिए कि विषय पर कानून बना के और उससे पे निर्णय लिया जा सके जैसा कि आप जानते हैं बिना किसी कानून के कोई भी निर्णय या मंत्रिपरिषद या भारत का राष्ट्रपति नहीं ले सकता है तो कानून की आवश्यकता विधि की आवश्यकता और विधि की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश निर्माण कर सकता है तो अब देखते हैं कि अध्यादेश निर्माण की जो पावर है यह राष्ट्रपति कैसे इसको एक्सरसाइज करता है संविधान के अंतर्गत मैंने जैसा कि आपको बताया कि संविधान के आर्टिकल वन ट्वेंटी थ्री के अंतर्गत राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दिया गया है अब इस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पर क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं क्या लिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज करता है उसको मैंने तीन हेड में बांटा है पहला है कि अध्यादेश के माध्यम से भी मौलिक अधिकार का मैंने यहफार लिखा है फंडामेंटल राइट का वॉलेशन नहीं होगा अध्यादेश का वही प्रभाव होगा जो संसद के द्वारा बनाई गई विधि का प्रभाव है और दूसरा इस अध्यादेश का टाइम कितना है पीरियड कितना है तो वह संविधान में ही लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निर्गत किया गया अध्यादेश सप्ताह तक प्रभावी कर सकता है आर्टिकल थर्टीन क्लास के देखें आर्टिकल थर्टीन क्लास फोर के अधीन अध्यादेश भी विधि मानी जाएगी और उसके पश्चात अब अध्यादेश जिस प्रकार से आर्टिकल 123 के भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है वैसे ही वैसे ही संविधान की आर्टिकल मैं इसी पर लिख दूँ संविधान के आर्टिकल के अंतर्गत राज्यपाल को दिया गया है राज्यपाल भी राज्य में अध्यादेश के माध्यम से विधि निर्माण कर सकता है यदि विधानसभा सत्र में न हो या राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं है तो राज्य के राज्यपाल संविधान के आर्टिकल 213 के अंतर्गत शक्ति प्राप्त है कि वे अध्यादेश निर्माण के माध्यम से उस पूरे राज्य के लिए विधि बना सकते हैं परंतु अध्यादेश को भी संविधान में चुनौती दी जा सकती है यदि राष्ट्रपति के द्वारा निर्गत किया गया अध्यादेश या राज्यपाल के द्वारा निर्गत किया गया अध्यादेश मैलाफाइड है राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है तो ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ऐसे अध्यादेश की समीक्षा कर सकते हैं पुनर्विलोकन कर सकते हैं रिव्यू कर सकते हैं जैसा कि मैंने स्लाइड के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है यह केस है डीसी सी वाधवा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार ए आई आर सुप्रीम कोर्ट इस डीसी सी वाधवा के केस में आप देखें मैंने नीचे लिखा हुआ ईयर कि वर्ष 1967 से लेकर के 1981 तक पूरे बिहार राज्य में 14 वर्षों तक लगभग इन दौरान दो टू फिफ्टी सिक्स आर्डिनेंस बनाए गए 1966 से 67 से ले लेकर के 1981 तक बिहार राज्य के तत्कालीन गवर्नर के द्वारा 256 फिफ्टी बनाए गए जिस आर्डिनेंस को विधानसभा बिहार की विधानसभा के द्वारा अनुमोदन भी नहीं किया गया अनुमोदित भी नहीं किया गया और वहां का मुख्यमंत्री उस अध्यादेश के माध्यम से राज्यपाल भी उस अध्यादेश के माध्यम से संवैधानिक निर्णय लिए जा रहे थे डीसी बाधवा नाम के पिटिशनर याचिकाकर्ता ने बिहार राज्य में अध्यादेश के दुरुपयोग को लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय में चैलेंज कर दिया चुनौती दे दिया कि क्या किसी राज्य का मुख्यमंत्री या किसी राज्य का निर्वाचित मुख्यमंत्री या राज्यपाल के द्वारा निर्गत किए गए अध्यादेश को लंबे समय तक चौदह एक से लेकर चौदह वर्ष तक उससे शासन प्रशासन चलाया जा सकता है और यदि तो राज्यपाल के द्वारा बनाए गए अध्यादेश से शासन प्रशासन किसी राज्य का चलाया जा सकता है तो राज्य विधानसभा की वहाँ पर क्या आवश्यकता है क्या ऐसी स्थिति में राज्य विधानसभा जो निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की एक संस्था है उस जनप्रतिनिधियों की संस्था के, के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता के लिए कानून बनाए जाने का संविधान आदेश देता है तो ऐसी स्थिति में मात्र राज्यपाल के द्वारा सोच लिए जाने पर और राज्य के मंत्रिमंडल के द्वारा राज्यपाल को परामर्श दे दिए जाने पर इस विषय पर आप एक अध्यादेश बनाए और उस ऑर्डिनेंस के माध्यम से कई वर्षों तक लगातार चौदह वर्षों तक राज्य के प्रशासन और शासन की नीतियों को क्रियान्वित किया गया माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा डी सी केस में जो रिमार्क दिया गया वह रिमार्क आप सभी छात्रों के लिए विचारणी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहली बार इस केस में कहा गया कि ऐसा लगता है कि बिहार में अध्यादेश निर्माण करके वहाँ की विधानसभा के पैरल कार्यपालिका राज्यपाल के अध्यादेश अध्यादेश मेकिंग पावर को वहाँ पे प्रतिस्थापित कर दिया गया है ऐसा लगता है कि वहाँ की विधानसभा की सारी पावर को राज्यपाल ने अपने अंतर्गत अध्यादेश के माध्यम से एज्यूम कर लिया है अपने आप ले लिया है जो कि संविधान सम्मत नहीं है यह असंवैधानिक है चूँकि निर्णय लिए जा चुके हैं लोक कल्याणकारी नीतियाँ क्रियान्वित की जा चुकी हैं अतः भूतवर्ती इसका तो भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा लेकिन भविष्य में उन अध्यादेशों का कोई महत्व तो नहीं होगा और 1987 से इन अध्यादेशों का कोई भी महत्व तो नहीं होगा न तो उस पर कोई निर्णय लिया जाएगा अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस डीसी स्टेट ऑफ बिहार के केस में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पहली बार यह निर्णय दिया गया कि बिहार को इस एक, एक, बिल्कुल टिप्पणी की गई कि बिहार अध्यादेशों का राज्य है यह प्रारंभिक परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी एग्जामिनेशन में या लोक सेवाओं को या लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में कि निम्नलिखित में से किस राज्य को अध्यादेश का राज्य कहा जाता है किस राज्य में अध्यादेश का सर्वाधिक दुरुपयोग किया गया मिसयूज किया गया ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का तो नाम आता है स्टेट ऑफ बिहार का सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि बिहार में अध्यादेश का सर्वाधिक दुरुपयोग किया गया देश के अंतर्गत पूरे भारत के अंतर्गत तो मैंने ये बताने का प्रयास किया कि कैसे किसी एक राज्य में राज्यपाल के द्वारा निर्मित किए गए अध्यादेश को कई वर्षों तक जारी रखा गया जबकि अध्यादेश चाहे वह राज्यपाल जारी करे आर्टिकल 213 के अंतर्गत या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश जारी किए जाने की तिथि से उसका प्रभाव मात्र छः सप्ताह का होगा छः सप्ताह को आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने दिन होता है और छः सप्ताह के भीतर यदि संसद के दोनों सदन लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा उसे अनुमोदन कर अनुमोदन नहीं किए जाते तो वह अध्यादेश निष्प्रभावी हो जाएगा उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा तो प्रश्न है कि जो छह सप्ताह तक उसका प्रभाव तो लाख की तरह रहेगा उससे जो भी निर्णय लिए गए हैं वो अगर मौलिक अधिकार का, का उल्लंघन करते हैं तो वह व्यक्ति चैलेंज कर सकता है लेकिन छ सप्ताह के पश्चात उस अध्यादेश का प्रभाव विधि के रूप में तभी माना जाएगा जब संसद के दोनों सदन इसका अनुमोदन कर दें आप ये समझ सकते हैं कि छह सप्ताह के भीतर संसद के अनुमोदन को बाध्यकारी क्यों बनाया गया होगा तो इसका केवल और केवल तर्क यह है कि संविधान निर्माताओं को यह भली ज्ञात था कि भारत एक संसदीय लोकतंत्र है और संसदीय लोकतंत्र में संसद को जन प्रतिनिधियों के माध्यम से पूरे देश के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया जाना चाहिए प्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्र के जनता का प्रतिनिधित्व करता है अपनी जनता की आवाज़ को संसद तक लाता है इसलिए जन प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता की आवाज को कानून के माध्यम से संसद निर्मित करती है निर्माण करती है और राष्ट्रपति चूंकि जन प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता वह उसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है इसलिए राष्ट्रपति को कार्यपाल का प्रमुख होने के नाते यह पावर अध्यादेश निर्माण करने का एक विशेष परिस्थिति में दिया गया है विधि निर्माण की पावर अंतोगत्वा अल्टीमेटली भारतीय संसद को प्राप्त है तो मैं समझता हूं कि भारतीय संसद को विधि निर्माण की पावर क्यों दी गई और राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्माण के माध्यम से विधि निर्माण की पावर क्यों दी गई उसकी उपयोगिता आप समझ गए होंगे कि संसदीय लोकतंत्र में और राष्ट्रपति को क्या अपनी पावर है संविधान देता है भारतीय संसद को क्या पावर दी गई है इसको मैंने इसमें लिखा कि संघ सूची के विषय पर भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश ऑर्डिनेंस बना सकता है तो संघ सूची जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 246 के अंतर्गत तीन प्रकार की लिस्ट दी गई संघ सूची में जितने भी विषय हैं जितने विषयों पर भारत की संसद कानून बना सकती है उन सभी विषयों पर भारत का राष्ट्रपति भी अध्यादेश निर्माण कर सकता है तो ये सब हो गए अध्यादेश निर्माण की पावर अब आते हैं राष्ट्रपति विधायिका का अभिन्न भाग स्लाइड के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूंगा कि भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होने के नाते कैसे विधायिका का अभिन्न भाग है कैसे ही ऑल्सो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लेजिस्लेचर वह कैसे लेजिस्लेचर का एक आवश्यक कंपोनेंट है सबसे देखें संविधान में कौन कौन से प्रावधान हैं जहां से हमें देखने को मिलता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बीइंग एग्जीक्यूटिव हेड ही इज ऑल्सो इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर कैसे है वो ये संविधान के आर्टिकल वन जीरो फोर मैंने के अंतर्गत दिखाया है लोकसभा का विघटन कैसे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति की उस पर अनुमति न प्रदान की जाए संविधान के तीन ऐसे प्रावधान हैं जो राष्ट्रपति के विधायिका के अंग के रूप में दर्शाते हैं कि वह विधायिका का भी अभिन्न भाग है आप देखें जब संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होता है किसी विषय को लेकर के और संसद किसी विषय पर जो सदन के समक्ष लाया गया है यदि उस पर आम सहमति नहीं बन पा रही है तो ऐसी स्थिति में दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सीटिंग बुलाने के लिए भारत का राष्ट्रपति ही अधिकृत किया गया है संविधान के द्वारा और दोनों सदनों के गतिरोध को दूर करने के लिए भारत का राष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल एक के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है यद्यप कि संयुक्त अधिवेशन कुछ अधिनियमों में नहीं होते हैं संविधान संशोधन के विषय पर ज्वाइंट सीटिंग नहीं होगी संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा आपको यहां पर यह भी जान लेना आवश्यक है कौन से प्रावधान है जिन प्रावधानों पर संविधान ज्वाइंट सीटिंग संयुक्त अधिवेशन की अनुमति प्रदान नहीं करता तो पहला है संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं होता दूसरा धन विधेयक तीसरा वित्त विधेयक इन तीन विधेयकों पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है तो यह किन विधेयक किन विधेयकों पर लागू होगा साधारणतः जो जो ऑर्डनरी बिल हैं साधारण विधेयक हैं साधारण विधेयक में यदि कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो उस गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला करके उस साधारण विधेयक को उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के आधे से एक अधिक फिफ्टी परसेंट प्लसवेंट मेजॉरिटी से यदि उसको अप्रूव कर दिया जाता है तो दैट बिल विकम वह विधेयक जो है कानून का रूप लेगा अधिनियम का रूप ले, ले लेगा तो संयुक्त अधिवेशन का क्यों लाजिक रखा गया मैंने आपको बताया कि अगर किसी विषय पर सदन के दोनों सदन में आम सहमति नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस विधेयक पर अगर संसद ने डिसाइड कर लिया कि इस विधेयक पर हमें सरकार ने डिसाइड किया है कि हमको कानून बनाना है तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान संविधान में रखा गया जैसा कि आप जानते हैं यदि लोकसभा में सदन यदि लोकसभा में सरकार को दो तिहाई बहुमत प्राप्त है राज्यसभा में भी उसके दो तिहाई सदस्य हैं तो संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होगा क्योंकि सरकार जिस भी कानून को बनाना चाहेगी दो तिहाई बहुमत से वह लोकसभा और राज्यसभा में पारित करा सकती है यह परिस्थितियाँ तब उत्पन्न होती हैं जब सरकार को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है परंतु राज्यसभा में बहुमत प्राप्त न हो तो ऐसी स्थिति में लोकसभा से वह विधेयक तो पारित हो सकता है परंतु जब राज्यसभा में हो जाएगा विधेयक पारित होने के लिए तो अल्पमत होने के नाते बहुमत न होने के नाते सरकार का पक्ष वहाँ पर कमज़ोर होगा और वह राज्यसभा से विधेयक पारित नहीं हो पाएगा ऐसी स्थिति ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए संविधान निर्माताओं ने वर्ष उन्नीस में भी इस बात की कल्पना कर ली थी कि यदि संसद के समक्ष आने वाले वर्षों में कभी इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी कि संसद के दोनों सदन किसी भी विषय पर आम सहमति नहीं बना पाते तो गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है और संयुक्त अधिवेशन में दोनों सदस्यों के कुल सदस्य संख्या का 50 परसेंट प्लस वन प्रजेंट एन वोटिंग के द्वारा उस पर कानून निर्माण कर लिया जाएगा और ये साधारणतः जैसा कि मैंने बताया विशेष परिस्थितियों में तो लागू नहीं होता ये विशेषकर इसका महत्व तब बढ़ जाता है जब गठबंधन की सरकार हो कोलिशन की गवर्नमेंट हो और केंद्र में किसी एक दल को राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो तो ऐसी स्थिति में ये संयुक्त अधिवेशन का महत्व तो और भी बढ़ जाता है तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि भारत का राष्ट्रपति संविधान के आठ के लिए एक सौ आठ के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन कैसे बुलाता है किस रूप में किन परिस्थितियों में बुलाता है दूसरा बातें हैं देखते हैं लोकसभा का विघटन लोकसभा के समक्ष यदि सरकार अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती तो ऐसी स्थिति में उस लोकसभा को विघटन करने के लिए डिजॉल्व करने के लिए भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश राष्ट्रपति नोटिफिकेशन जारी कर सकता है अधिसूचना जारी कर सकता है या लोकसभा अपना कार्यकाल पाँच वर्ष पूर्ण करने के पश्चात आगामी चुनाव के लिए भी लोकसभा विधान लोकसभा को भंग करते हुए भारत का राष्ट्रपति उसे विघटित कर सकता है डिजॉल्व कर सकता है ये आर्टिकल ट्व एटी फाइव के अंतर्गत दिया हुआ है तीसरा इसका है संविधान के आर्टिकल एक सौ ग्यारह के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न भाग है संसद का कोई भी विधायी प्रस्ताव कानून तब तक नहीं बन सकता जब तक भारत का राष्ट्रपति उस पर अपनी सकारात्मक सहमति प्रदान नहीं करता अब यहीं पर जान लेना आवश्यक है कि संविधान के आर्टिकल एक के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को किसी भी विधायी प्रस्ताव विधेयक के विषय में तीन प्रकार के पावर दिए गए हैं पहला या तो जो विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष सहमति के लिए लाए जाते हैं यदि वह धन विधेयक वित्त विधेयक या, बि, या संविधान में संशोधन विधेयक से संबंधित नहीं है तो ऐसे किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति या तो दे सकता है या अनुमति नहीं दे सकता है या उस विधेयक को अपने पास रख सकता है तीन ऐसे परिस्थितियों की कल्पना भारतीय संविधान के अंतर्गत की गई पार्ला मैंने बताया कि या तो उस विधेयक पर अनुमति दे देगा तो वह कानून बन जाएगा या उस विधेयक पर अनुमति नहीं देगा हम जिसको बीटो पावर बोलते हैं निषेधाधिकार बीटो करता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ही हैज पावर नॉट टू गिव असेंट ऑन एन पर्टिकुलर बिल वह किसी भी विधेयक पर जिसपे प्रावधानों से संतुष्ट नहीं है जिस जिस प्रावधानों से राष्ट्रपति संतुष्ट नहीं है उस विधेयक को अपने पास अपने ही टेबल पर डिटेन कर सकता है उस बिल को रिटेन कर सकता है सहमति नहीं दे सकता है और सहमति नहीं होगी तो वह कानून का रूप नहीं लेगा एक्ट अधिनियम नहीं बन सकता है तीसरा या तो उस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए सदन को वापस कर सकता है ऐसी स्थिति में सदन के द्वारा यदि विधेयक पर संशोधन सहित या संशोधन रहित पुनः उसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है मैंने आपको एक तीसरी चौथी जो लास्ट एक पॉइंट बताया इसमें कि किसी विधाई प्रस्ताव को जो संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया गया है यदि उस विधायी प्रस्ताव से भारत का राष्ट्रपति संतुष्ट नहीं है उसे कोई ऑब्जेक्शन है तो भारत का राष्ट्रपति संविधान राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधेयक को संसद के दोनों सदनों को पुनर्विचार करने के लिए रिव्यू करने के लिए भेज सकता है परंतु प्रश्न है कि अगर रिव्यू संसद के दोनों सदनों ने, ने रिव्यू किया और रिव्यू में कोई संशोधन नहीं किया बिना संशोधन किए पुनः राष्ट्रपति को भेजते हैं उस विधेयक पर साइन करने के लिए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य है अब तीसरी बार उसको रिव्यू करने के लिए पुनर्विचार के लिए सदन को राष्ट्रपति नहीं भेज सकता है तो प्रश्न है कि अगर संविधान में ऐसे कोई संशोधन है जो देश के लिए अहितकर हैं हितकर नहीं है तो क्या राष्ट्रपति उसमें उस विधेयक उस, उस उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है इसका सकारात्मक जवाब यह है कि संविधान संरक्षक होने के नाते कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होने के नाते भारत का राष्ट्रपति ऐसे किसी भी विधायी प्रस्ताव को अनुमति देने से मना कर सकता है जो देश की समरसता को जो देश के अखंडता को या देश की परिस्थितियों के, के अनुकूल नहीं है तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति हर विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है या हर मंत्रिपरिषद के हर फैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं है ठीक उसी प्रकार संसदनों को पुनर्विचार हेतु वापस न कर अपने ही टेबल पर रखे बीटो का पावर करे पाकेट बीटो का पावर करे और एब्सूड बीटो का पावर करे जो भी उसको यद्यप कि ये वीटो वर्ड शब्दावली जो है निषेधाधिकार वीटो वीटो संविधान के अंतर्गत नहीं दिया गया संविधान में डिफाइन नहीं किया गया कि इस आर्टिकल में वीटो पावर है परंतु हमने फ्रांस के माध्यम से फ्रांस के संविधान से अमेरिकी संविधान से यह पाया है कि भारत का राष्ट्रपति भी पॉकेट जेबी वीटो यूज कर सकता है या विशेषाधिकार एब्सलूट वीटो पावर यूज कर सकता है यह डिपेंडिंग ऑन द केस कैसे मामले हैं यह निर्भर करता है राष्ट्रपति के लिए तो राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति न देते हुए उसे रिटेन कर सकता है निषेधाधिकार वीटो पावर एक्सरसाइज कर सकता है जिसको हम का अपने प्रचलित भाषा में निषेधाधिकार या वीटो पावर की संज्ञा देते हैं तो मैं समझता हूँ कि अभी राष्ट्रपति के तीनों पावर हो गए नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति स्लाइड पर देखें राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति यह संविधान के आर्टिकल 72 में है इसको हम कभी कभी जुडिशियल पावर भी बोलते हैं कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है ये सेवेंटी टू के अंतर्गत ये क्षमादान शक्ति है क्या भारतीय संविधान के आर्टिकल सेवेंटी टू भारत के राष्ट्रपति को भारत में स्थित किसी भी न्यायालय अथवा अधिकरण के द्वारा पारित किसी भी दंडादेश को लघुकरण परिहार को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान करता है अब देखें भारत का राष्ट्रपति भारत में स्थित किसी भी न्यायालय के द्वारा दिए गए किसी भी दंडादेश को निलंबित कर सकता है किसी भी दंडादेश को कम्यूट कर सकता है किसी भी दंडादेश को परिहार कर सकता है लघुकरण कर सकता है ये सब दौलियाँ यूज की गई हैं आर्टिकल सेवेंटी टू के अंतर्गत अर्थात किसी भी पनिशमेंट की स जो पनिशमेंट की सज़ा है उसको कम कर सकता है क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कम कर सकता है या क्षमादान कर सकता है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेजेंट आर्टिकल सेवेंटी टू के अंतर्गत है अर्थात क्षमादान करने का तात्पर्य मानो कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध ही नहीं किया है मैंने स्लाइड के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया इस स्क्रीन पर आप देखें कि आर्टिकल सेवेंटी टू के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति डेथ सेंटेंस को मैंने यहां लिखा हुआ है डेथ सेंटेंस को आजीवन कारावास में या साधारण कारावास में या उसे पूर्णतः माफ कर सकता है यह राष्ट्रपति को लघुकरण कर सकता है यह भी राष्ट्रपति की क्षमाधान की शक्ति में पावर में दिया हुआ है परंतु यदि राष्ट्रपति प्रश्न है कि राष्ट्रपति की जो ये पावर है अगर वह मैलाफाइड है दुर् राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है तो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट इसका रिव्यू कर सकता है जीडू जुडिशियल रिव्यू हो सकता है मैंने स्लाइड पर लिखा हुआ है अब जो क्षमादान की शक्ति है यह भी भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही करता है देखिये मंत्रिपरिषद का उल्लेख मैंने आपको बताया कि आर्टिकल सेवेंटी फोर आपको याद रखना है कि आर्टिकल सेवेंटी फोर के अंतर्गत जो मंत्रिपरिषद है मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए परामर्श पर ही भारत का राष्ट्रपति किसी अपराधी के सजा को माफ करता है इस केस को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष सर्वप्रथम मारू राम बनाम भारत संघ के वाद में चुनौती दी गई मारू राम बनाम भारत संघ या नाइनटीन सुप्रीम कोर्ट के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णित किया कि क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग भारत का राष्ट्रपति मध्य परिषद के परामर्श पर ही करेगा और उसका न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है जुडिशियल रिव्यू हो सकता है के एम नानावती बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे ए आई आर की केस में राज्यपाल के पावर को राज्यपाल की क्षमा देने की शक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई इसको भी भारत के राष्ट्रपति की तरह राज्यों के राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है तीसरा केस मैंने लिखा है केहर सिंह बनाम भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया ए आई आर इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है इंदिरा गांधी की हत्या में केहर सिंह और उसके कुछ सहयोगी वांछित थे इनको मृत्युदंड की सजा सुनाई गई डेथ सेंटेंस दिया गया इन लोगों ने भी भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध क्षमादान याचिका प्रस्तुत की कि राष्ट्रपति आर्टिकल सेवेंटी के अंतर्गत केहर सिंह और उसके अन्य सह उस अपराधियों को क्षमादान प्रदान करते हुए उनकी सजा को माफ कर दें परंतु भारत के राष्ट्रपति के द्वारा केहर सिंह और उनके अन्य सहयोगियों को क्षमादान शक्ति इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि जो आर्टिकल सेवेंटी टू है क्षमादान की शक्ति का प्रयोग भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर तो करता है परंतु यह विवेकी शक्ति है इसकी मांग कोई अधिकार पूर्वक कोई भी अपराधी नहीं कर सकता है राष्ट्रपति किस अपराधी किस अभियुक्त को यह सजा माफ करेगा या नहीं करेगा अपराधी इसकी मांग राष्ट्रपति के समक्ष अधिकार पूर्वक नहीं कर सकता है संविधान यह अपराधी को अधिकार नहीं प्रदान करता कि राष्ट्रपति क्षमादान निर्णय लेते समय अपराधी को सुनवाई का अवसर प्रदान करें इस मामले में भी कहा गया कि क्षमादान की शक्ति प्रदान करते समय अब अपराधियों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए जो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि बिना किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान किए हुए निर्णय लिया जाना यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत माना जाता है परंतु माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि राष्ट्रपति आर्टिकल सेवेंटी के अंतर्गत किसी भी अपराधी को व्यक्तिगत रूप से सुनने के लिए बाध्य नहीं है सुनवाई का अवसर देने के लिए बाध्य नहीं है और यदि राष्ट्रपति क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श पर अपराधी को सुने बिना करता है तो यह आर्टिकल बहत्तर का उल्लंघन नहीं है संविधान का उल्लंघन नहीं है इस केस में कहा गया ये, आपको सारी सूचना मैंने एक बार बताने का प्रयास किया जो नवीनतम केस है वह इप्रू बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश ए आई देखें उसको इस सिक्स देखें स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश ए आई आर टू केस में भी राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति को माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी अब यहां पर देखें कि यह क्षमादान जो राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर है पार्डन करने की जो पावर है और गवर्नर की जो पार्डनिंग पावर है यह एक जुडिशियल एक्ट है आर्टिकल सेवेंटी टू वन सिक्सटी फोर याद रखना है राष्ट्रपति राज्यपाल के पावर को और इससे संबंधित जो केस लॉज़ हैं वह है याद रखना है किस केस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्षमादान की शक्ति का न्यायिक न्यायिकलोकन हो सकता है क्षमादान की शक्ति का प्रयोग भी भारत का राष्ट्रपति मंत्र परिषद के परामर्श पर ही करता है विवेक स्वयं नहीं कर सकता ये मारू राम बनाम भारत संघ को याद रखना है तो मैंने ये बताने का प्रयास किया कि राष्ट्रपति क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग आर्टिकल बहत्तर के अंतर्गत कर सकता है और क्षमादान में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं दंडादेश का लघुकरण अर्थात मृत्युदंड मृत्युदंडादेश को डेथ सेंटेंस को लाइफ इंप्रेजेंट में बदलना आजीवन कारावास में बदलना आजीवन कारावास की सजा को दस वर्ष पाँच वर्ष में बदल देना या आजीवन कारावास को माफ़ कर देना सजा माफी कर देना जैसे कि उस अभियुक्त ने कभी कोई अपराध किया ही न हो इस प्रकार की पावर संविधान के आर्टिकल सेवेंटी टू में भारत के राष्ट्रपति को दी गई है तो अब यह मैं समझता हूं कि इसके पश्चात मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है या नहीं है इसको लेकर के संविधान में संशोधन संविधान में स्थिति क्या है स्पष्ट करने का मैं प्रयास करूंगा आप इस, इस स्क्रीन पर देखें मैंने स्लाइड पर बताने का प्रयास किया है कि जो राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है राष्ट्रपति की वो कैसी है बयालीसवें संविधान संशोधन 1976 के पूर्व राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति और चवालीसवें संविधान संशोधन उन्नीस के पश्चात भारत के राष्ट्रपति की स्थिति क्या है आपको यदि ज्ञात हो आप संविधान के आर्टिकल 74 उपखंड एक देखें तो संविधान के आर्टिकल 74 उपखंड एक में प्रावधान किया गया था कि केंद्र की एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति ऐसी मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा केवल इतनी शब्दावली का प्रयोग आर्टिकल 24 फोर क्लास वन में किया गया था इसका केवल और केवल अर्थ यह था कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य है ऐसी स्थिति में यदि केंद्रीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कोई भी परामर्श देती है तो वह संवैधानिक रूप से बाध्य था उस पर हस्ताक्षर करने के लिए जो हम कभी कभी आलोचना की जाती है राष्ट्रपति की स्थिति को कि राष्ट्रपति केवल रबर स्टैम्प है केवल और केवल मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए निर्णय को निर्णय पर मुहर लगाने के लिए सील पृष्ठांकित करने के लिए बाध्य ऐसा नहीं है क्यों हम संविधान प्रावधानों के अंतर्गत देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति मात्र रबर स्टैम्प की नहीं है मात्र किसी भी केंद्र मंत्रिपरिषद के निर्णय को पृष्ठांकित करने या मुद्रांकित करने की स्थिति नहीं है भारत का राष्ट्रपति संविधान संरक्षक होने के नाते संविधान की सुनक्षा करने की शपथ लेता है और इसलिए शपथ लेने के कारण ओथ लेने के कारण भारत के राष्ट्रपति से संविधान अपेक्षा करता है कि संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा करेगा वे कौन से प्रावधान हैं जो भारत के राष्ट्रपति को संविधान के संरक्षक के रूप में स्थापित करते हैं मैंने इसके भी पहले आपको बताया है क्षमादान की शक्ति हो या कार्यपालिका शक्ति हो अध्यादेश निर्माण की शक्ति हो यह इन शक्तियों के माध्यम से भारत का राष्ट्रपति वह संविधान संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका प्रस्तुत कर सकता है कि मंत्रिपरिषद यदि कोई ऐसा प्रस्ताव लाती है राष्ट्रपति के समक्ष जो संविधान के विपरीत है तो राष्ट्रपति ऐसे प्रस्ताव पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है और संविधान की रक्षा कर सकता है तो ये मैंने आपको बताया कि स्क्रीन पर आप देखें सेवेंटी फोर के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलामा परामर्श प्रा, पर कार्य करेगा नाइनटीन सेवेंटी सिक्स के पहले की स्थिति परंतु जनता पार्टी सरकार जब उन्नीस सौ उन्नी उन्नी में आई केंद्र में तो चौवालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस सौ अठहत्तर के पश्चात थोड़ा सा आर्टिकल सेवेंटी फोर के अंतर्गत राष्ट्रपति के स्थिति को और सुदृढ़ किया गया मजबूत किया गया ऐसा कहा जाता है कि 1978 पहला ऐसा प्रयास था जब संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने का और भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास केंद्रीय संसद के द्वारा इस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया अब उसको देखते हैं कैसे है वह संविधान के आर्टिकल ट्वेंटी फोर क्लास वन के परंतुक में यदि आप देखेंगे उस पर दृष्टि रखेंगे तो उसमें प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है परंतु मंत्रिपरिषद उसी परामर्श को संशोधन सहित या संशोधन रहित पुनः भेजती है तो राष्ट्रपति ऐसे परामर्श को मानने के लिए बाध्य होगा अब आप देखें यदि बयालीसवें संविधान संशोधन उन्नीस और चालीसवें संविधान संशोधन उन्नीस के बातों को ध्यान में रखेंगे तो या आप पाएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों में डिफरेंस यही है कि बयालीसवें संविधान संशोधन उन्नीस तक की जो स्थिति थी वह ये थी कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता था जो भी सलाह दी जाती थी राष्ट्रपति उस पर मानने के लिए था। परंतु वर्ष उन्नीस से राष्ट्रपति को एक अवसर प्रदान कर दिया गया कि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्रिपरिषद का जो प्रस्ताव है वह संविधान के विपरीत है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए प्रस्ताव को या मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए निर्णय को पुनर्विचार के लिए भारत का राष्ट्रपति भेज सकता है अब यदि मंत्रिपरिषद ने चाह लिया है कि उसी प्रस्ताव पर उसी निर्णय पर वह अडिग रहे कायम रहे अपने पूर्ववर्ती निर्णय पर कायम रहे अगर उसी पुनः उसी प्रीवियस डिसीजन को भेजती है राष्ट्रपति के समक्ष तो राष्ट्रपति को अनुमति देने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है यह तो संवैधानिक प्रावधान हो गया जो उसमें प्रावधानित किया गया है अब प्रश्न होता है कि यदि राष्ट्रपति ऐसे मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है जो संविधान के विपरीत है तो इसका उत्तर है कि संविधान राष्ट्रपति को इतनी पावर देता है कि मंत्रिपरिषद की सभी अवैध मांगों को मंत्रिपरिषद के सभी असंवैधानिक निर्णय को मानने के लिए भारत का राष्ट्रपति बाध्य नहीं है राष्ट्रपति उस परामर्श को उस कैबिनेट मंत्रिपरिषद के उस निर्णय को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है अब इसमें है कि यदि मंत्रिपरिषद ने पुनः उसी विचार उसी प्रस्ताव को वापस भेजा राष्ट्रपति के समझ तो आप ये सोचें कि राष्ट्रपति ऐसे प्रस्ताव पर ऐसे निर्णय पर मंत्रिपरिषद के ऐसे निर्णय पर अपना कोई जवाब न देकर के देश की जनता को एक मैसेज दे सकता संदेश दे सकता है कि केंद्रीय सरकार मंत्रिपरिषद किसी ऐसे विषय पर अपने जिद्दी स्वभाव के कारण राष्ट्रपति से ऐसे हस्ताक्षर करने के लिए विवश कर रही थी जो संविधान के विपरीत था और निश्चित रूप से इसका दुर्गामी परिणाम होगा कि वह सरकार यदि पुनः निर्वाचन में आती है तो जनता इसका ज करारा जवाब दे सकती है और सरकार चुनाव में अपना चुनाव भी हार सकती है इसलिए प्रायः ऐसा देखा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा जब कोई ऐसे परामर्श मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है तो मंत्रिपरिषद दोबारा उसी निर्णय को राष्ट्रपति के पास नहीं भेजती है क्योंकि जानती है कि चुनाव में वह सरकार हार सकती है ऐसा कैसे दृष्टांत उदाहरण के माध्यम से आप समझें वर्ष उन्नीस में केंद्रीय सरकार के द्वारा बिहार सरकार को बर्खास्त करते हुए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की गई आर्टिकल तीन के अंतर्गत केंद्र की सरकार के द्वारा वर्ष उन्नीस में जब बिहार में आर्टिकल तीन सौ छप्पन लागू करके राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की गई और वह मंत्रिपरिषद ने जब सिफारिश की भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति ने उस सिफारिश को मानने से इनकार कर दिया ये संविधान के वे प्रावधान हैं या संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा लिए गए वे निर्णय हैं जो राष्ट्रपति के संविधान संरक्षक के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं और राष्ट्रपति ने उस प्रस्ताव को हस्ताक्षर नहीं किया पुनः मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए भेज दिया और मंत्रिपरिषद ने उस प्रस्ताव को फिर खारिज कर दिया उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा क्योंकि अगर मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के लिए भेजती तो भारत का राष्ट्रपति संविधान संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उसके हाथ बदे होते और हस्ताक्षर उसको मानना होता ऐसी स्थितियों में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाने पर जब राष्ट्रपति को लगा कि बिहार की जो सरकार है वह तीन सौ छप्पन कैसे लागू हो गया राष्ट्रपति का शासन कैसे लागू हुआ राष्ट्रपति ने केवल इतना ही पूछ दिया मंत्रिपरिषद से केंद्रीय मंत्रिपरिषद से कि जो राज्यपाल ने प्रतिवेदन दिया है जो तत्कालीन गवर्नर की रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं उस रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार में कानून व्यवस्था विफल हो चुकी है और राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा रही है राज्यपाल की जो रिपोर्ट है वह भ्रामक है राजनीति से प्रेरित है और राजनीतिक दुर्भावना से यदि प्रेरित होकर के राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की जाती है तो भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के ऐसे परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है आप इस पर पुनर्विचार करें और पुनर्विचार के लिए जब मंत्रिपरिषद को भेजा गया तो मंत्रिपरिषद ने उस प्रस्ताव को अपने ही पास रख लिया और राष्ट्रपति शासन इस प्रकार से बिहार में लागू नहीं हो पाया एक दृष्टांत यह है जो संविधान कि आर्टिकल सेवेंटी फोर के माध्यम से आप भारत के राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति को आप समझ सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति संविधान में किस स्थिति और किस पावर को एक्सरसाइज करता है ये मैंने आपको दृष्टांत उदाहरण के माध्यम से बताया जो आर्टिकल तीन सौ छप्पन बिहार में लागू हुई थी उसी तरह से कल्याण सिंह सरकार को जब बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार में समर्थन दे रही थी और कल्याण सिंह सरकार से जब समर्थन वापस ले लिया गया था तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के द्वारा भी राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश उत्तर प्रदेश में की गई थी परंतु तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा उस सिफारिश को मानने से इनकार कर दिया गया था और तत्पश्चात कल्याण सिंह सरकार ने सदन में अपना बहुमत हासिल कर लिया इस प्रकार की चीज़ें मैंने आपको इस तथ्य बताने का प्रयास मात्र केवल केवल और केवल यह है कि आप राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति को मात्र रबर स्टैम्प के रूप में न समझें, जैसा कि हम प्रायः भ्रम के अधीन रहते हैं यह संविधान में ऐसे कई ज्वलंत उदाहरण हैं जहां पर राष्ट्रपति ने संविधान संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका पूर्व प्रस्तुत किया है अब देखते हैं कि मंत्रिपरिषद की राष्ट्र मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति का परामर्श जुडिशियल रिव्यू होगा या नहीं मंत्रिपरिषद ने जो राष्ट्रपति को परामर्श दिया है उस परामर्श का परामर्श का मतलब यहां पे सलाह को करें कंसल्टेशन जो परामर्श है राष्ट्रपति को दिया गया है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है नहीं यहाँ एक आर्टिकल 24 में प्रावधान है 24 फोर दो में कि मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई परामर्श किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रस्तुगत नहीं किया जाएगा छात्रों के लिए बहुत उपयोगी सूचना यह है आप उसको स्क्रीन पर देखें संविधान के आर्टिकल 74 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई परामर्श किसी भी न्यायालय में और किसी भी ग्राउंड पर चैलेंज नहीं किया जा सकता है यह प्रोटेक्शन यह संरक्षण केंद्रीय मंत्रिपरिषद की परामर्श को संविधान में दिया गया है इसका केवल और केवल उद्देश्य है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति में क्या पत्राचार हो रहे हैं क्या परामर्श दी जा रही है इसको जुडिशियल इंटरवेंशन से न्यायिक हस्तक्षेप से बाहर रखा जाए जिससे लोग अनावश्यक मुकदमेबाजी मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य क्या संचार क्या सूचनाएं आदान प्रदान की जा रही हैं इसमें अनावश्यक मुकदमेबाजी न हो इसको दूर करने के लिए संविधान निर्माताओं ने यह संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया था परंतु यह पहली बार माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि आप केस को स्लाइड पर देखें मैंने केस लिखा है यस आर बुम्बई बनाम भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया लिखा है इंग्लिश में यस आर बम्बई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ए आई आर नाइनटीन फोर सुप्रीम कोर्ट निर्णय मैंने लिख दिया उसको संक्षेप में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि परामर्श किन आधारों पर दी गई है इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है अब यस आर बम्बई की केस यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है छात्रों के लिए यह जान लेना कि सर्वप्रथम माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णय किया गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई परामर्श का न्यायिक पुनर्लोकन जुडिशियल जुडिशियल रिव्यू हो सकता है माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू इसकी हम समीक्षा नहीं कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिव्यू दिस थिंग कि क्या एडवाइस दिया गया है राष्ट्रपति को करने का या नहीं करने का इसको हम नहीं स्कूटनी कर रहे हैं वी पीपुल आर नॉट गोइंग टू रिव्यू दिस थिंग हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश क्या करते हैं उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मैं केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न इतना है कि जो आप सलाह दे रहे हैं परामर्श दे रहे हैं वह परामर्श किस आधार पर है किस ग्राउंड पर है कोजेंट रीज़न क्या है उसका रीजनेबल ग्राउंड क्या है जो रीजनेबिलिटी है वह उसको सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने राष्ट्रपति को दिया है काम करने के लिए एक एडवाइस दिया है सलाह दिया है कि आप ये काम करें क्या वह काम करना किस आधार पर आपने उसको एडवाइस दिया है राष्ट्रपति को क्या आपके पास वो कोई रीजन है कोजेंट रीजन है वी पीपुल कैन डिस वी पीपुल कैन रिव्यू दैट थिंग सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है इस केस में एस आर बोमई की केस में ऐसा कहा गया था मुझे लगता है कि मैं इस केस को यदि आपको बताऊं बताऊँ यर के केस में क्या हुआ कि 6 दिसंबर उन्नीस को बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड के पश्चात उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और यहां पर संविधान के आर्टिकल तीन के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया यद्यप कि राष्ट्रपति शासन शब्दावली का यूज संविधान में नहीं किया गया है परंतु पॉपुलरिटी इतनी ज्यादा है उस प्रावधान की संविधान के आर्टिकल तीन की कि हम आप आ, हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं राष्ट्रपति शासन लागू कर लिया गया और राज्य की सरकार केंद्र के अधीन चली गई है व्यवहारिक रूप से उस शब्दावली का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया राष्ट्रपति शासन का लेकिन कामन पार्लेंस में उसको हम इतना प्रचलित शब्द हो गया है कि हम सामान्य जनमानस में है कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है जो एग्जैक्टली संविधान के आर्टिकल तीन में शब्दावली यूज की गई है मैं उसको उद्धृत कर रहा हूँ संविधान के आर्टिकल तीन में यह प्रावधान किया गया है कि जब राज्य की जब राज्य में राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती है और राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है तो ऐसी स्थिति में राज्य की सरकार को बर्खास्त कर केंद्र के अधीन किया जाना राष्ट्रपति के लिए विधिपूर्ण होगा मैं रिपीट करूं कि संविधान के आर्टिकल 356 के अनुसार जब राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार न चलाई जा रही हो और राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका हो तो राष्ट्रपति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर केंद्र की सर केंद्र के अधीन कर दें और अपनी उस राज्य की समस्त शक्तियाँ केंद्र में निहित होंगी राष्ट्रपति के द्वारा संचालित होंगी और अनुमोदन के पश्चात राज्य के लिए कानून संसद के द्वारा बनाया जाएगा ये प्रावधान आर्टिकल 356 में ये सर मुमई की केस में एग्जैक्टली हुआ क्या कि मैंने जैसा कि आपको बताया 6 दिसंबर उन्नीस की घटना के पश्चात न केवल उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार को बर्खास्त किया गया बल्कि उन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तीन लागू किया गया जिन राज्यों में एक दल विशेष की सरकार थी और ग्राउंड दिया गया कि चूंकि प्रदेश में इस प्रकार की घटना घटित हुई है और जिन जिन राज्यों में इस राजनीतिक दल की सरकार है वहाँ पे भी सांप्रदायिक दंगे सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है बिगड़ सकती है ऐसी स्थिति में राज्यपाल के प्रतिवेदन पर भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा उन राज्यों में मध्य प्रदेश राजस्थान हिमाचल प्रदेश जिन जिन राज्यों में छत्तीसगढ़ जिन जिन सॉरी मध्य प्रदेश राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जिन जिन राज्यों में भाजपा शासित सरकारें थी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी और राज्यपाल ने रिपोर्ट दिया केंद्र सरकार को कि चूंकि उत्तर प्रदेश की घटना से इन राज्यों में भी कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है अतः इन राज्य की सरकारों को बर्खास्त किया जाना समीचीन है आवश्यक है लिहाजा उस आधार पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने निर्णय दिया और राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया उच्चतम न्यायालय में एस आर बोमई के द्वारा इस भारत सरकार के इस निर्णय को चुनौती दी गई जिसका मैंने आपको बताया कि भारत सरकार के द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष आर्टिकल 74 फोर क्लास दो का डिफेंस लिया गया बचाव लिया गया कि संविधान के आर्टिकल सेवेंटी सेवेंटी फोर क्लास टू में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई परामर्श किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार के इस निर्णय को भारत सरकार के इस दलील को प्ली को मानने से इनकार कर दिया और निर्णित किया कि संविधान की आर्टिकल सेवेंटी फोर क्लास टू के अंतर्गत मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है हम इसकी समीक्षा नहीं कर रहे हैं हम केवल और केवल यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि राज्यपालों ने जो रिपोर्ट दी है वह किस आधार पर दी है क्या कौन सी ऐसी आशंका थी राज्यपाल को कि लगा कि उस पर्दे, उन प्रदेश की सर उन प्रदेशों में भी कानून व्यवस्था भंग हो सकती मात्र अप्रिहेंशन के आधार पर भय के आधार पर कि इन राज्यों में भी सांप्रदायिक दंगे होंगे इस प्रकार के दंगे होंगे और राज्य सर राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य कर रही है और उन राज्यों में जिन राज्यों में इस प्रकार की घटना नहीं है मात्र आशंका के आधार पर और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर के कि एक दल विशेष की सरकार अगर इन इन राज्यों में है तो हम सभी राज्यों की सरकार को बर्खास्त कर देंगे सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि एस आर बुम्बई के केस में कि आर्टिकल तीन सौ छप्पन का प्रयोग किया जाना उन राज्यों में जिन राज्यों में दली एक दल विशेष की सरकार थी राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है अतः असंवैधानिक है आर्टिकल तीन सौ छप्पन का प्रयोग किया जाना असंवैधानिक है क्यों क्योंकि मैलाफाइड इंटेंशन के आधार पर लगाया गया राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर के मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को परामर्श दिया है अतः यह असंवैधानिक है इस तरह से माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय से यह स्थापित हुआ कि मंत्रिपरिषद के सलाह का भी न्यायिक पुनर्लोकन जुडिशियल रिव्यू हो सकता है यह केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है दृष्टिकोण से और मैं समझता हूँ कि अंतिम रूप से जो राष्ट्रपति की जो अंतिम पावर मैंने आपको स्लाइड के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है भारत मैंने आर्टिकल तीन सौ छप्पन राष्ट्रपति शासन आपको अभी संक्षेप में बताया है इन संविधान के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को तीन विशेष पावर दी गई हैं जो राज्य की सरकार को बर्खास्त कर राज्य की सरकार को केंद्र के अधीन कर देना वित्तीय आपात लागू कर देना फाइनेंशियल इमरजेंसी जब भारत के समक्ष अर्थव्यवस्था का संकट हो आर्थिक संकट स्थिति उत्पन्न हो तो भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 360 के अंतर्गत भारत के पूरे भूभाग में या उस राज्य में जिसमें आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है वित्तीय आपात की घोषणा कर दिया है अभी तक ये प्रावधान यद्यप कि राष्ट्रपति के द्वारा लागू नहीं किया गया है यह पूछा जाता है प्रारंभिक परीक्षाओं में कि संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है जो अभी तक राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग में नहीं लाया गया है तो आपको जानना चाहिए कि वित्तीय आपात अभी भी भारत में लागू नहीं हुआ है बहुत बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई भारत के समक्ष आर्थिक स्थिति आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा भारत को यह वर्ष उन्नीस का है जब ख, जब गाड़ी जब खाड़ी देशों में युद्ध हो रहा था तो वर्ष उन्नीस में भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है एस जिसको बोलते हैं एस इस आप इसको संक्षेप में जो स्पेशल ड्राइंग राइट है एस उसमें कम हो गया था और भारत के समस्त अर्थव्यवस्था का संकट था उस उन्नीस के अंतर्गत भी वर्ष उन्नीस में भी हमने वित्तीय आपात लागू नहीं किया यह तीसरा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पावर है वह राष्ट्रीय आपात लागू कर सकता है भारत संविधान की आर्टिकल तीन सौ उनसठ भारत के राष्ट्रपति को युद्ध बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जब भारत के राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि भारत पूरे भारत या किसी भारत के किसी भूभाग पर आक्रमण हुआ है या सशस्त्र विद्रोह हुआ है या आ, युद्ध हुआ है युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई है तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल तीन सौ उनसठ के अंतर्गत पूरे भारत भूभाग में या किसी राज्य विशेष में क्षेत्र विशेष में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जैसा कि मैंने आपको बताया ये तीनों पावर जो हैं राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही करता है यहाँ पर एक चीज़ छात्रों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मंत्रिपरिषद यूज नहीं किया गया है आर्टिकल तीन के अंतर्गत वर्ड जो यूज किया गया है वह यूज किया गया है कैबिनेट मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में डिफरेंस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट में डिफरेंस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक एक कलेक्टिव बॉडी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंतर्गत कैबिनेट कैबिनेट जो है वह अपेक्स बॉडी है अब कैबिनेट स्टेट मिनिस्टर्स स्टेट मिनिस्टर स्वतंत्र प्रभार ऐसे करके है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है मंत्रिपरिषद है कैबिनेट उसका एक घटक है इसलिए आर्टिकल तीन सौ उनसठ के अंतर्गत मंत्रिपरिषद परामर्श नहीं देती है कैबिनेट के परामर्श पर कैबिनेट में जो सरकार के जो सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं वरिष्ठ मंत्री होते हैं वे कैबिनेट का भाग होते हैं तो कैबिनेट के द्वारा लिखित सूचना पर भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल थ्री फिफ्टी नाइन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइज़ नहीं देती ये छात्रों को ध्यान में रखना है मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका और मंत्रिपरिषद में क्या संबंध है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं है राष्ट्रपति अपने कार्य अपनी समस्त शक्तियों संवैधानिक शक्तियों का निर्वहन केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करता है और मंत्रिमंडल के परामर्श पर करता है राष्ट्रीय आपात की स्थिति में उसका न्यायिक पुनर्लोकन होगा नहीं होगा जुडिशियल रिव्यू तो होगा नहीं होगा या सर बुम्बई की केस के माध्यम से अन्य केस के माध्यम से मैंने भारत के राष्ट्रपति के जो पावर दिए गए हैं कार्यपालिका शक्ति दी गई है विधायी शक्ति दी गई है आर्टिकल एक के अंतर्गत आर्टिकल सेवेंटी टू में क्षमादान की शक्ति दी गई है पार्डनिंग पावर दी गई है क्षमादान की शक्ति कार्यपालिका शक्ति विधायी शक्ति न्यायिक शक्ति आपातकालीन शक्तियाँ और विधि और उस पर उन इन शक्तियों का न्यायिक पुनर्लोकन हो सकता है या नहीं हो सकता है, किस केस में कहा गया मैंने मारू राम बनाम भारत संघ से केस से लेकर के या बनाम भारत संघ के केस को बताने का प्रयास किया और पूरा मैंने प्रयास किया कि राष्ट्रपति की पावर और मंत्रिपरिषद के क्या लिमिटेशंस हैं क्या कितना मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है भारत का राष्ट्रपति संविधान संरक्षक के रूप में कैसी भूमिका प्रस्तुत करता है मैंने दृष्टांत के माध्यम से बताने का प्रयास किया है तो मैं समझता हूँ इसे व्याख्यान को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ थैंक यू धन्यवाद